मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। फिल्मी स्टाइल में दो ग्रुपों की भिड़ंत की तस्वीर सामने आई है। पहले गाड़ियों में जोरदार टक्कर, उसके बाद तलवार से हमला किया जाता है। मामला वसई के नाइकपाड़ा इलाके का है, जहां 20 दिसंबर की शाम के वक्त एक ब्लैक रंग की ब्लोरो गाड़ी जो है वो मोड़ पर घूमती है और उसी दौरान एक सफ़ेद रंग की ब्लोरो गाड़ी जोरदार इस काले रंग की गाड़ी को टक्कर मार देती है। काले रंग के सवार ब्लोरो में जो लोग थे वो उतरकर भागने लगते हैं, मगर तभी सफ़ेद रंग के ब्लोरो में सवार लोग नीचे उतर आते हैं, जिसमें काले रंग के ब्लोरो में बैठे एक व्यक्ति को नीचे उतारकर उस पर तलवार से हमला करते हैं। हालांकि हमलावरों के पास पिस्तौल भी थी और इन लोगों ने वहाँ पर फायरिंग भी की। इस पूरी घटना के बाद से इलाके में एक डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि हमला होने के बाद ये सभी हमलावर वहां से फरार हो गए। सावस्ता एकमेकांना बोलोरो गाड्या होत्या समोर, त्या एकमेकांना ठोकल्या। मला वाटलं काय ठोकल्या असतील, पण त्यांनी काय केलं, समोरचा माणूस त्या गाडीतून दुसऱ्या गाडीतून 5-6 माणसं पळून गेली आणि एका गाडीतून तलवारी काढून समोरच्या माणसाला मारायला सुरुवात केली। आणि इथं वाचवायला जाणार, पण त्याच्या एका माणसाकडे बंदूक होती। त्यांनी सांगितलं जर समोर कोण आला तर त्याला गोळी मारणार, म्हणून कोण त्याला वाचवायला गेले नाही, पण त्याला फूल मारलं, पायाला मारलं, हाताला मारलं आहे, मला वाटतं तो वाचू शकत नाही। मग त्याला त्यांनी गाडीत टाकलं आणि घेऊन गेले की गाडी तिकडे आहे जमा, पण त्याला दुसऱ्या गाडीत कुठल्या तिसऱ्या गाडीत नेलं ते माहिती नाही। पण त्याचा आपसमध्ये वाद होता का कसा होता ते माहिती नाही, किंवा या गाडी डुक्कर होती त्या डुक्करावरून पण वाद असेल, त्यांचा व्यवसाय डुक्करचा होता त्याच्यावरून पण वाद असेल। ते कसं तलवारीने मारलं काय बंदुकीला? तलवारीने मारले, बंदूक हातात होती, लोकांना घाबरत होते, कोण आला मध्ये त्याला गोळी मारली। हे कुठच्या होते लोक? हे इकडच्या बाजूच्या एरियातले आहेत। ते काय करते लोक? हे डुक्करचा व्यवसाय करतात।